आज का प्रातः क्लास है 31/5/1964। रिकॉर्ड चला है निर्बल से लड़ाई भगवान बलवान की। बच्चे बैठे हैं, किसके सन्मुख बैठे हैं? कहेंगे माता पिता व बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। और ये तो बच्चे जानते हैं कि भारत पर ही सारा खेल है। खेल पार्टधारी आत्मा के ऊपर होता है या कोई स्थान या देश के ऊपर होता है? फिर यहाँ भारत पर ही सारा खेल रचा हुआ है, ऐसे क्यों कहा? जैसे कहते हैं रामायण की सारी कथा भारत पर है, परंतु समझाने का खेल चाहिए तो रामायण की कथा राम के ऊपर है या भारत के ऊपर है? फिर भारत क्यों कह दिया? इसलिए कह दिया कि जो राम वाली आत्मा है वो ही भारतात रोशनी में रमण करने वाली है। रत माने लगी रहने वाली है। मनन चिंतन मंथन में लगी रहने वाली है। कल्प के अंत में भगवान बाप आते हैं तो भी मनन चिंतन मंथन में लगी रहती है, ज्ञान की रोशनी में लगी रहती है। सत्य त्रिता में तो आत्म की स्थिति में सभी आत्मा रहती है। आत्मिक स्थिति में रहना, मन रोशनी में रहना। और द्वापर कलयुग से भी वही आत्मा शास्त्रकार के रूप में, जिसे विशेष शास्त्रकार कहते हैं व्यास, उस रूप में ज्ञान में रत रहती है। इसलिए बोला सारा खेल भारत पर है। खेल कहो, नाटक कहो, कोई नाटक के चार सीन होते हैं, कोई के तीन सीन होते हैं। ये बेहद का नाटक है, इसके पांच सीन हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर कलयुग, संगम युग, पांचों ही सीन के सारे खेल में वो हीरो पार्टधारी आत्मा मुख्य है। भारत ही सतयुग था, सतो प्रधान था। अभी वो भारत ही कलयुग है। बच्चे जानते हैं हमारी आत्मा बहुत उजानी हुई थी,
अभी बाप आए हैं जगाने के लिए, जगाए रहे हैं। ये बात सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में ही है और कोई की बुद्धि में नहीं हो सकती। तुम बच्चे ही परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हो। जिसको ही कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम जानते हो कि हमें ही सत्युग में देवी देवताएं थे, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं। ये ब्राह्मण भी पहले पहले स्वर्ग में था, सिवाय तुम ब्राह्मणों की और कोई की बुद्धि में ये नहीं हो सकता। दुनिया में कोई कह नहीं सकता कि हम सतयुग में थे। इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि कोई की बुद्धि में नहीं आ सकता और न कब सुनाए सकते हैं। तो पहले पहले है ही भारत खंड, जहां और कोई धर्म नहीं था। सतयुग का कोई को पता नहीं है। क्योंकि कब सतयुग में रहे ही नहीं है। वहां सतयुग में तो सिर्फ देवी देवताएं ही रहते हैं। कि सन्यासी लोग ये भी नहीं कह सकते कि हम सो देवी देवता थे या हम स्वर्ग में थे, सिवाय तुम्हारे कोई भी कह नहीं सकता। और तुमको भी अभी पहचान मिली है, तुम जानते हो हम ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी मनुष्य स्वर्गवासी नहीं हो सकता और न कब होने वाले हैं। देवता धर्म वाले भी इस समय हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो पड़े हैं। तो ये बात भी तुम जानते हो कि हिंदू धर्म वाले कौन हैं और किस धर्म के हैं। और कोई भी नहीं जानते हैं, आर्य समाजी या सिख समाजी ये नहीं समझेंगे कि हम सतयुग में देवता थे फिर क्षत्रिय बने। और धर्म वालों की बुद्धि में तो ये आ ही नहीं सकता। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। हम ब्राह्मण ही सो फिर देवता बने, देवता बनकर के राज्य करते थे। भारत स्वर्ग था और कोई भी धर्म नहीं था। तो दूसरे धर्म के लोग तो स्वर्ग को जानते ही नहीं, पहले तो हम तुम भी नहीं जानते थे। अभी जब बाबा आए हैं तो आंख खुल गई है, अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। तीजरी की कथा भी भगवान वाच और अमरनाथ की कथा भी भगवान वाच। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सृष्टि का चक्र फिरता है। जो भी ब्राह्मण सो देवी देवता बनने वाले हैं,
तो उनके पास फिर चक्र फिरता है। हम भारत में थे, भारत ही प्राचीन देश है। मनुष्य कहते हैं लाखों वर्ष हुए, जब सतयुग था तुम कहते हो 5000 वर्ष हुए, जब भारत में देवी देवता धर्म था। अगर लाखों वर्ष देवता धर्म के हुए होते तो आदम शुमारी ही अनगिनत तो हो जाती। पीछे जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आए हैं उनों की भी गिनती है, कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट आया, उससे पहले देवी देवता धर्म था। इस्लाम धर्म वो भी था, जानते हैं इस्लामियों के बाद बौद्ध भी आए, तो हिसाब किताब तो साफ है। आधे में है देवी देवता धर्म और आधे षष्ठी चक्र में, काल चक्र में और सभी धर्म आ जाते हैं। तो अगर लाखों वर्ष की बात होती तो भारतवर्ष की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, परंतु क्रिश्चियंस की संख्या जास्ती दिखाई पड़ती है, क्योंकि हिंदू ही कन्वर्ट हो गए हैं और धर्म वाले तो अपने धर्म के पक्के होते हैं। भारतवासी भी ये नहीं जानते हैं कि हमारा दुश्मन आधा कल्प से माया बनी है, वो माया गुप्त है। फिर दुश्मन आए हैं मुसलमान लोग, क्रिश्चियन तो बाद में आए हैं, इन मुसलमानों ने आकर के मंदिरों को लूटा था, इनके बाद क्रिश्चियन ने हाथ किया है। तो पहले भारत के दुश्मन मुसलमान थे, फिर पिछाड़ी में भी मुसलमान ही दुश्मन बनते हैं। लड़ाई भी यवनों और कौरवों की होनी है, आगे चल के देखना रक्त की नदियां बहेंगी। वैसे भी हिंदू मुसलमानों का झगड़ा चला आता है, जब से आए हैं तब से रक्त की नदियां बही हैं। इन बातों को समझते नहीं हैं। हाँ, ये समझते हैं कि बरोबर घर की लड़ाई है, परंतु वास्तव में ये घर की लड़ाई नहीं है, ये तो परधर्म है। परधर्म की लड़ाई है, देवता धर्म की तो बात ही नहीं है। देवताएं तो लड़ते ही नहीं हैं। समझते हैं ये बड़ी गंदी लड़ाई है, इसलिए कोशिश करते हैं आपस में लड़ें। तो बाप समझाते हैं, अब तुम बच्चे जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा के पास बैठे हैं, जिसको भक्ति मार्ग में गाते आए हैं,
सत्युगत्रीता में तो नहीं गाते हैं। तो अभी तुम बैठे हो माता पिता के पास, माता पिता का भी अर्थ तुम्हारे सिवाय कोई की बुद्धि में नहीं है। कोई पूरा अर्थ नहीं समझते हैं। नहीं तो ऐसे माता पिता से बहुत दिल लग जाए। 31-5-64 की वाणी का दूसरा पेज। बाप को याद करना पड़े, माता गॉड फादर की क्रिएशन है, तो जरूर मदर भी होनी चाहिए। हम आत्माओं का फादर वो है। फिर आत्मा जब जीव में आती है तो कहते हैं इस शरीर को माता पिता ने रचा। वेद का बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को रचता हूं, इनको माता बनाता हूं। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, हमको फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। पहले हम मूल वतन में थे, वहां रहते हैं परमपिता परमात्मा, उनके बच्चे वहां नंगे रहते हैं, शरीर रूपी वस्त्र होता ही नहीं। बाप नई दुनिया रचेंगे तो उनको जरूर पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े। बाद में स्थूल वतन। तो ब्रह्मा के तन में आए इनको माता बनाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो ब्रह्मा कभी बाप हो गया। कैसे हो गया ये दुनिया में कोई नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा की हम औलाद हैं। पहले पहले जब बाप सृष्टि रचते हैं तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे होंगे, और ब्राह्मण होंगे ही संगम युग पर। ये ब्राह्मणों की संस्था है, तुम ब्राह्मणों को रच करके फिर आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय औलाद बने हैं। पहले असल में हम नंगे थे, अभी हम जिस्म सहित ईश्वरीय औलाद बने हैं और ब्रह्मा द्वारा बने हैं। इसको कहा जाता है मुखवंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली है, नहीं तो इतने ढेर बच्चे कोई पेड़ से थोड़े ही निकलेंगे। तुम जानते हो हम माता पिता से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। सब ब्राह्मण कुलभूषण जो भी सुनते हैं तो सन्मुख सुनने से नशा अच्छा ही चढ़ता है। तुम्हारा बुद्धियोग है माता पिता के साथ, कैसे युक्ति से रचना रचते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर पतित सृष्टि में आना है।
ऐसी नहीं कि प्रलय हो जाती है। ये तो सब शास्त्रों के गपोड़े हैं। कलह युग के बाद सतयुग को आना है। भारत सतयुग में था उस समय और कोई भी धर्म नहीं था, अभी कलह युग में है। जब भारत नया था तो और कोई खंड नहीं था, अभी भारत पुराना है तो अनेक धर्म खंड है। बुद्धि में नॉलेज बहुत अच्छी है, कोई को भी समझाने के लिए बहुत अच्छी नॉलेज है। बाहर स्वर्ग था तो कितना धनवान था, हीरे जवाहरातों के महल थे, 5000 वर्ष की बात है, भारत क्या था। वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी डीटी सावरेंटी थी और कोई भी धर्म नहीं था। ऑल माइटी अथॉरिटी तो बाप को ही कहा जाता है, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। तुम बच्चे अब जान गए हो कैसे 84 जन्म का चक्कर हमने काटा है, कैसे वर्णों में ड्रामा अनुसार आते गए हैं। और कोई धर्म वाले इन ब्राह्मण वर्णों में ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। तुम जानते हो बरोबर हम सो देवता देवी देवता थे, फिर हम ही सबसे पहले आए थे। अब पिछाड़ी में जाना है, फिर पहले पहले आना है। तुम्हारे पास ये गोला बहुत अच्छा है, सारे ड्रामा का चक्कर इसमें है। सतयुग में भारत कितना सुखी था, नाम ये सुखदाम, देवता वर्ण क्षत्रिय वर्ण, फिर आता है वैश्य वर्ण शूद्र वर्ण, फिर संगम पर होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखावेंगे, शूद्रों को तो नहीं सिखावेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली बनेंगे तब उनको राजयोग सिखलाऊंगा। जो कल पहले बच्चे बने हैं, वर्षा लिया है, वो आते जावेंगे जैसे कल पहले आए थे। तो भारत में ही देवताओं का राज था, ये भी समझाया। आधा कल्प बाद देवताएं फिर वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात नीचे गिरते हैं, तो इनकी निशानियां बनाए रखी हैं। जगन्नाथ के मंदिर में निशानियां लगी हुई है ना, देवताएं कैसे माम मार्ग में गिरते हैं दिखाया। अंदर में तो राधा कृष्ण के सांवरे चित्र रखे हुए हैं और बाहर में दिखाते हैं वाम मार्ग। तो ये वाम मार्ग में जाने से ये हाल देखो ताला मुंह कर दिया है। बाप समझाते हैं माया की प्रवेशता होने से फिर काम चिच्छा पर बैठने से काले हो गए हैं। अभी उस शिक्षा से उतर कर ज्ञान शिक्षा पर बैठने से गोरा बनेंगे। तुम जो सुंदर थे वो श्याम हो गए हो। तुम हरेक श्याम सुंदर बनते हो, पहले तुम गोरे थे, तुम जो सुंदर थे अब श्याम हो गए हो। फिर आधा कल्प माया के दर्शन से तुम श्याम बने ना।
पहले पहले कृष्ण को कहते हैं श्याम सुंदर, कृष्ण गोरा था परंतु कृष्ण को तो काला नहीं कहेंगे, कृष्ण का मुंह काला नहीं करना चाहिए, वो तो गोरा था। फिर भिन्न भिन्न नाम रूप में आते आते कलाएं कम होते होते काला बन गया। अंत में काला हो जाता है ना। 31/5/64 की वाणी का तीसरा पेज। इसलिए इनका नाम श्याम सुंदर पड़ा है। अभी तो साफ श्याम है, फिर अब श्याम से सुंदर बन रहे हैं। बाप आए हैं ज्ञान शिक्षा पर बिठाते हैं, तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, फरमान करते हैं मुझे याद करो। भक्तों को थोड़े ही भगवान बाप बैठे फरमान करते हैं मुझे याद करो, क्योंकि फरमान तो मुख द्वारा होता है। सो एक ही बार फरमान करते हैं मामेकम याद करो, चक्कर को याद करो, शंख ध्वनि करो। अपन से पूछो, हम शंख बजाते हैं, ये मुख शंख है। कई बच्चियां कहती हैं हम तो शंख नहीं बजा सकते हैं, कहेंगे धारणा नहीं होती है तो शंख नहीं बजा सकती। शंख नहीं बजावेंगे तो विष्णु रूप शंखधारी कैसे बनेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी हो सकते हो, ये तो समझते हो। बरोबर 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, ये तो तुमने समझा है। बाबा ने शंख ध्वनि की, तुमने धारण किया, फिर औरों को भी समझाना है। बाप और वर्ष्य को नहीं भूलना है। तुम भारतवासी इन बातों को जानते हो, और कोई क्या जाने। ये वर्ण भी भारतवासियों के लिए ही है, और कोई की भी बुद्धि में नहीं हो सकते। भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आर्य और अनार्य कहते हैं, अर्थात सुधरेले और अनसुधरेले। तो देवी देवताएं सुधरेले थे, माया ने आकर के अनसुधरेला बनाई दिया। भारत आर्य थे, बहुत धनवान थे, अभी कंगाल है। अनसुधरेला मूर्ख नालायक को कहा जाता है। फिर कोई ने आर्य नाम कहा तो सब कह देते हैं, नहीं तो उनको आर्य थोड़े ही कहेंगे। वो आर्य तो है स्वर्ग के देवी देवता है, और स्वर्ग का रचयिता है हेवनली गॉडफादर, उसने ही स्वर्ग का मालिक बनाया। ये भारत सोने की चिड़िया थी, परंतु ऐसी सोने की चिड़िया किसने बनाया? क्या हुआ कोई भी नहीं जानते हैं। जो स्वर्गवासी थे वही 84 जन्म भोगते भोगते अब नरकवासी बने। सारा खेल भारत पर। कितनी सहज बात है, अच्छा इतनी कोई धारणा न भी करे, सिर्फ बाबा को तो याद करो। बाबा कहते हैं बच्चे नंगे आए थे, पार्ट बजाया, अभी तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ।
अभी फिर नंगे ही वापस जाना है। और धर्म वाले तो ये कह ही नहीं सकते क्या कि नंगे होकर वापस जाना है। क्यों? क्योंकि उनका तो देहबान छूटता ही नहीं। तो तुम समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है? तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें रहती है। बड़े बड़े इम्तिहान पास करने वालों को बहुत खुशी रहती है कि अभी हम फलाना ऑफिसर बनेंगे। जैसे बैरिस्टर होते हैं उनमें भी नंबर वार होते हैं, कोई लाख लाख भी कमाते हैं, कोई देखो दो चार आने भी मुश्किल से कमाते। अभी तुम बच्चों को भी इतनी खुशी रहनी चाहिए कि परमात्मा बाप हमको टीचर बन पढ़ाते हैं, वो ही नॉलेजफुल है। अगर कोई कहे सर्वव्यापी तो क्या सब नॉलेजफुल हो गए? इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को गिराया है। बाप बैठ समझाते हैं तो अच्छी रीति समझ करके फिर धारण करो। धारणा न होने से कच्चे ही रह जाते हैं, पास तो नंबर वार ही होते हैं। जो सर्जन्स होते हैं उनमें भी नंबर वार होते हैं, कोई कोई तो रोज 10-20 हजार कमाते हैं और बड़े बड़े आदमियों के केस लेते हैं। बाबा का ऐसा भी देखा हुआ है, डॉक्टर से सफा मिले झट डॉक्टर को मकान बनाए देते हैं। पैसे वाले लोग होते हैं ना। तो तुम बच्चों को तो बहुत खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बड़े से बड़ा इम्तिहान है, हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो इतना अटेंशन भी तो देना चाहिए। क्योंकि अटेंशन देने वालों का नंबर ऊंचा हो जाता है। तो रेस करनी चाहिए, गुटका क्यों खाना चाहिए? बाप भी कहेंगे फॉलो करो, किसको? माँ बाप को। ये कहते हैं हम भी स्टूडेंट्स हैं, हमको पढ़ाने वाला बाबा है, तो मम्मा बाबा से रेस का तख्त नशीन बनना है। बाबा पुरुषार्थ जोर से कराते हैं। भारत की कहानी सुनानी है कि कैसे भारत स्वर्ग था, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हुई। ये चक्कर को समझना है। अभी बाप फरमान करते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म भस्म हो जाएंगे और अंत मते सुगति हो जाएगी। कहते भी हैं अंतकाल जो लक्ष्मी से मेरे, अंतकाल जो शिव बाबा से मेरे, त्रिलोचन है ना, तो जीवन मुक्त पद पाए लेते हैं। तो बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बाबा ऐसे देते हैं धारण करने के लिए, हर एक को बुद्धि में धारण करना है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं और आत्मा में ही नॉलेज बढ़ रहा हूं। ऐसा टीचर कब देखा जो कहे कि हमारी आत्मा तुमको समझाती है? सन्यासी तो कह ही नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते है? सन्यासी ये क्यों नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा तुमको समझाती है? क्योंकि सन्यासी के पास आत्मिक ज्ञान नहीं है।
क्योंकि सन्यासी देवान में रहते हैं, आत्माभिमान में रहते ही नहीं, को तो परमात्मा ही कहते हैं। शिवो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ज्ञान का सागर हूं। कहते हैं मेरे में सारी नॉलेज है, तो अहंकार हुआ ना। अभी तुम तो जानते हो जो जड़ बीज है उसको क्या नॉलेज होगी। बीज अगर चेतन होता तो बतलाता कि ये मेरे से उल्टा झाड़ कैसे निकला। ये भी मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है। बाप को याद जरूर करना पड़ता है, कन्या को तो वर्षे का नशा नहीं रहता है, बच्चे को बाप के वर्षे का नशा रहता है, यहां फिर कन्याओं को जास्ती नशा रहता है, उस लौकिक बाप का नहीं, पारलौकिक बाप का नशा ज्यादा रहता है और मेल सुख कम रहता है। कहा जाता है दोनों को हाथ में हाथ देकर चलना है। बाप कहते हैं तुम ज्ञान का हथियाला बांध लो, प्रतिज्ञा करो, भगवान वाच है मैं तुमको स्वर्ग का महाराजा महारानी बनाता हूं। विकी के ऊपर देखो कितना झगड़ा चलता है, मेजॉरिटी फीमेल की है, कोई स्त्रियां भी मेल को तंग करती हैं, उनको फिर पूतना सुपनखा आदि कहा जाता है। बातें सब इस समय की हैं, कंसी जरासिंधी अकासुर बकासुर ये सब अभी के नाम है। और ये नामधारी कौन है, ये बाप बैठ समझाते हैं। कौन है अकासुर, अघासुर भी नाम दिया हुआ है, पाप करने वाले असुर हैं। जरासिंधी, जरा पुराने को कहा जाता है, नए नए ज्ञान में निकले हुए सिंधी नहीं है। कैसे सिंधी हैं, है ज्ञान में निकले हुए पुराने पुराने सिंधी हैं। बकासुर, बक बक बहुत करते रहते हैं, वो बाप समझाते हैं ये कौन कौन है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया, मृत्युलोक का भी अंतिम जन्म है। अभी मृत्युलोक खत्म हो, अमर लोक स्थापन होता है, तो अमरनाथ चाहिए जो अमर बनावे। तुम अभी अमर बन रहे हो, तुम्हारे पास कब अकाल मृत्यु नहीं आवेगी। तो बच्चे सदैव जीते रहो, सत्युग में मरने की बात ही नहीं होती, इसलिए वहां शोक होता ही नहीं है। कायदा है एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, बीन बाजा बजते हैं और ही खुशी होती है, पुराना छोड़ करके नया लेंगे। तो जितना जो पढ़ेगा उतना पद पावेगा। बाबा पूछते हैं
कौन कौन रेस में तीखे जाते हैं? कोई भी दो की एक जैसी रेस नहीं हो सकती। कोई सर्विस अच्छी करते हैं, कोई क्या करते हैं, हो तो तुम सब स्टूडेंट्स, स्त्री पुरुष जवान बूढ़े बच्चे सब स्कूल में यहां पढ़ते हैं। वंडर्स हैं, वंडर्स दिखाते हैं ना, ये हैं नरक के वंडर्स। सबसे वंडरफुल है बैकुंठ, वहां के वंडर्स देखने के हैं। और बैकुंठ वंडर है सुख भोगने का कि तुम अब बैकुंठ के मालिक बन रहे हो, तो खुशी का नगाड़ा अंदर में बजना चाहिए। बाबा से कितना बड़ा वर्षा लेते हैं, प्रतिज्ञा करो हम बाबा की मत पर चलते हैं। और शिव बाबा को शिव बालक बनाते हैं, ये शिव पर बलि चढ़ने की अभी की बात है। तुम्हारे पास जो भी कखपन है वो वर्षे में देते हो तो बच्चा हुआ ना, इसलिए ये बाल लीला आदि के साक्षात्कार होते हैं। कोई ध्यान में जाते हैं, कोई नहीं जाते हैं, जानते हैं हम ऑब्जेक्ट प्रिंस प्रिंसेस बनने की है। त्रेता के अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, ये सब यहां पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। 16,000 की माला दिखाते हैं। बॉम्बे में बहुत बड़ी माला लक्ष्मीनारायण के मंदिर में दिखाते हैं। फिर उनको खींच करके राम राम करते हैं। कोई हनुमान की पूजा, कोई कृष्ण की पूजा करते हैं। अब भला बताओ इससे क्या होगा? पूछना चाहिए, क्या तुमको कृष्ण के राज्य में जाना है, कृष्ण से तुमको मिलना है, इनको क्यों याद करते हो? तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आकर श्री राधे श्री कृष्ण बनाते हैं, गाते भी हैं, बज राधे गोविंद चलो वृंदावन, परंतु ऐसे थोड़े ही जप तप करने से चले जावेंगे। ये भक्ति तो आधा कल्प चलती है। फिर मैं आकर के मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूं, भारत अब लास्ट नंबर में है, फिर नंबर वन में आ जाएगा, बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि श्री श्री शिव बाबा हमको श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा हमको फिर स्वर्ग का श्रेष्ठ बनाए रहे हैं, खुद तो नहीं बनते हैं। कहते हैं मैं श्री श्री हूं, तुमको श्री बनाने वाला हूं, असुर बनाने वाली है माया। अच्छा, मीठे मीठे से किले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, जब बाप प्रत्यक्ष हो गया कि यही भगवान है तो ग्लानी की बात रह जाएगी क्या? बाप जब तक गुप्त पार्ट बजा रहा है तब तक ग्लानी है,
जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो गया, अनेक बाहु उदर वृत्त नेत्रम, अनेक सहयोगी रूपी भुजाएं बाहर निकल पड़ेंगी, बड़े बड़े वकील निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर निकल पड़ेंगे, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल पड़ेंगे। तो ये भुजाएं हुई कि नहीं हुई? ये भगवान की हजार भुजाएं हैं, वो प्रत्यक्ष होंगी। फादर सोज संस बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बाप तो गुप्त ही रहेगा, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो अनेक बाहु उदर, उदर माने पेट, बड़ी बड़ी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होने लग पड़ेंगी। वक्त्र, वक्त्र माने मुख, जिन्हें बाबा कहते हैं माइक, कौन निकालो, बड़े बड़े माइक निकालो, ऐसे बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र माने मुख, माइक। नेत्रम, कहते ना भगवान को हजार आंखें हैं, थोड़ी मोड़ी आंखें हैं कि हजार नाखें हैं, हजार आंखें हैं। अभी भी अखबारों में लिखते हैं, इतना जो कुछ बवाल मच रहा है, एक एक बात की जानकारी ले रहा है। सारा दृश्य उसके सामने रखा जाता है, तो कोई देख के रखने वाला है या नहीं है? कोई आंखों वाला देखेगा तभी तो बताएगा। ये एक प्रश्न लिख कर दिया है, क्या ऐसा पक्का पक्का प्रूफ है जिस प्रूफ से शिव बाबा सच्चा सच्चा गीता भगवान साबित होते हैं? क्योंकि ज्ञान तो सब लोग सुनाते हैं, ऐसा पूछा। गीता की वो टीका जो आज तक किसी ने भी ब्रह्मा कुमार ने नहीं की है, वो गीता जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता सो पहला क्षत्रिय सो पहला शूद्र सो पहला वैश्य, वो आत्मा करके दिखा दे। और ज्ञान के अनुसार सारी गीता क्लियर हो जाए। सब शास्त्रों में मुख्य शास्त्र कौन सा है? और गीता के आधार पर ही भगवान साबित हो जाए तो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे। यज्ञ के आदि में ही गीता पढ़ करके सुनाते थे, जो आदि में सुअंत में। ये ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि ये तुम्हारा मुरली अपनी बनाई हुई है, मतलब इधर एडवांस का मुरली नहीं मानते हैं, तो उनको क्या जवाब देना चाहिए? मुरली ब्रह्मा के मुख से चलती है, वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है या किसी व्यक्ति के मुख से निकलती है? ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी है, उसे वेदवाणी के भी अर्थ चाहिए। वो अर्थ भी भगवान बाप ही आकर के सुनाते हैं टीचर बनकर के, वो व्याख्या और कोई नहीं कर सकता। भगवान बाप ही टीचर बनता है, वो ही सदगुरु बनता है। एक ही शरीर के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है।
और कुंभकर्ण की पत्नी का नाम करकटी का अर्थ है। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी का अर्थ क्या है? ब्राह्मण की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे? कुछ न कुछ करके कटी क्या, ऐसे ही नहीं मर गई जैसे दुनिया भी विधवाएं मर जाती हैं। कुछ न कुछ करके कटी, तो क्या करके कटी है? भीम जैसा राक्षस पैदा कर दिया। और शाम को सब सितारों से पहले जो एक सितारा निकलता है, फिर सुबह को वही सितारा सब सितारों से देर तक ठहरता है, इसका बेहद का अर्थ क्या है? उसको कहते हैं शुक्रा, शुक्र तारा। जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं संक्षेत्र में, तो भगवान को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप कहा जाएगा कि नहीं है? जन्म देने वाले को क्या कहते हैं? भगवान की प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन करता है? ये इस्लामी तो पहले मरे, तो जो पहले मरेंगे वो ही बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। इस्लाम धर्म का बीज है, वो आत्मा जब एडवांस में निकलती है तो दक्षिण भारत में जाकर के ढेर सारे भारतीयों को, दक्षिण भारतीयों को उठा के ले आती है, विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करने लग पड़ते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, कृष्ण का जितना गायन है उतना उसको जन्म देने वाले मां बाप का गायन नहीं है। उसने क्या किया, वो विदेशियों का बाप है। कौन? शुक्राचार्य, शुक्रतारा, शुक्रा, शुक्रावतार, शुक्रावतार, सुअर को जन्म देने, सुअर का जन्म लेने वाला एक शुक्रावतार भी तो है। वो धरणी का उद्धार करता है, पाताल लोक से निकाल के ऊपर लाता है, नहीं तो धरणी पाताल में चली गई थी। तो एडवांस की आदि में भी वो शुक्रा प्रत्यक्ष करता है भगवान बाप को, जैसे संगम की कृष्ण कहो, प्रजापिता कहो, शंकर कहो, नारायण कहो। नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो चारों एक ही व्यक्तित्व हुए, ये अलग अलग हैं, एक ही हुआ। तो ऐसी पर्सनालिटी को प्रत्यक्ष किसने किया, प्रत्यक्षता की जन्म किसने दिया, वो शुक्रा तारा कहा जाता है। वो पहले निकलता है तब सूर्य प्रत्यक्ष होता है। सवेरे को पहले वो शुक्र तारा निकलता है कि सूर्य निकलता है? पहले सूर्य तारा, वो शुक्र तारा निकलता है।
बाबा शंकर का क्या ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो हम बच्चे समझ न सके और विश्वास कर न सके और इसको कैसे समझ सके? सबसे ज्यादा झगड़ा कौन सी बात पे होता है? पवित्रता। शंकर का पवित्रता का पार्ट ही ऐसा वंडरफुल है। पवित्रता की पूजा होती है या पवित्रता की पूजा होती है? शंकर की पूजा होती है या नहीं होती है? अमोघ बीज ये कहा जाता है या ढलक चंद महाराज है? अमोघ बीज तो उसकी पूजा होती है। इस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाने के कारण फिर हो हल्ला मचाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। इसलिए बोला है शंकर का ऐसा वंडरफुल पार्ट है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। जे जानो ते देव जनाई जान तुम्हें तुम्हें हुई जाई। जो इस राज को जान लेता है वो सूर्यवंशी हो जाता है। सूर्य के बच्चे भी क्या होंगे? सूर्य ही होंगे। नहीं जानते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं और दूसरों को घुटाते रहते हैं, दूसरों को अनिश्चय बुद्धि बनाते रहते हैं, तो कौन से धर्म के हैं? विधर्मी है या सूर्यवंशी है? विधर्मी है। पांच भक्त पांच भ्रष्ट कर्मेंद्रिय है। पांच भ्रष्ट कर्मेंद्रिय और पांच श्रेष्ठ कर्मेंद्रिय एक कौन कौन से? दस कर्मेंद्रियों को ही नहीं जान पाए, पांच कर्मेंद्रियों को ही नहीं जान पाए है? पांच ज्ञानेंद्रियों को ही नहीं जान पाए। जिन इंद्रियों से ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। देखा सुंदर है या कुरूप है? ज्ञान पैदा हुआ कि नहीं? सुंदरता का या कुरूपता का ज्ञान हुआ या नहीं? तो नेत्रेंद्रिय है। कान अच्छी आवाज करता है या खराब आवाज करता है? कौआ क्या करता है, कोयल क्या करती है? कोयल अच्छी आवाज करती है, मीठी आवाज करती है, और कौआ खराब आवाज करता है, सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो ये ज्ञान हुआ कि नहीं? कौन सी इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हुआ अच्छी और बुरी आवाज का? कान के द्वारा। खुशबू आ रही है या बदबू? बदबू आ रही है। ये ज्ञान कौन सी इंद्रिय के द्वारा होता है? नाक के द्वारा होता है। आंख नाक कान चीज को खाया, मीठी चीज है, खट्टी चीज है, तीखी चीज है, कसैली चीज है, ये ज्ञान कौन सी इंद्रिय के द्वारा होता है? व्यक्ति द्वारा होता है। ये भी एक इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है। ऐसे ही छुआ, अरे बड़ा चिकना है, बहुत प्यारा स्पर्श है, काफी लग गई। सूर्य का बाल कैसा होता है? बहुत कड़ा होता है। तो स्पर्श करने से ही पता लग जाए कि चिकना है या खुरदरा है, कोमल है या कठोर है, उसको कहते हैं स्पर्श इंद्रिय।
ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान कराती हैं। इनकी जानकारी लेना बहुत मुख्य है। पांच भ्रष्ट कर्म इंद्रिया भ्रष्ट कर्म करते हैं तो भ्रष्ट इंद्रिया। Oh.